जयपुर के अंदर चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर के महापौर और उपमहापौर इन दोनों की गाड़ियों के ऊपर अब जीपीएस सिस्टम लगा दिया गया है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दरमियान आप सभी को बता दें कि यह सरकारी गाड़ियों का उपयोग ना करें, इसी को लेकर के यह जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिसके चलते के अब यह चुनाव के समय पे सरकारी गाड़ियों का उपयोग नहीं कर सकती है। इसी के साथ में क्या कुछ बंदिश रहेंगी, सीधा देखिए स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने जयपुर के महापौर, उप महापौर और जिला प्रमुख के पूल की सभी सरकारी गाड़ियों को अपने कंट्रोल में ले लिया। जयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी इन सभी गाड़ियों पर निगरानी रखेंगे। आप सभी को बता दें कि जीपीएस भी इसमें लगा दिए गए ताकि जनप्रतिनिधि इन गाड़ियों का उपयोग चुनाव प्रचार में न कर सकें। मंगलवार को इन सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने की कार्रवाई की गई। जीपीएस लगने के बाद इन गाड़ियों को उन्हीं जनप्रतिनिधियों को लौटा दिया गया जिनको ये अलॉट किया। जनप्रतिनिधि इन गाड़ियों का उपयोग केवल घर से अपने सरकारी दफ्तर और दफ्तर से वापस घर आने जाने के लिए ही कर सकेंगे। वहीं चुनाव प्रचार में उपयोग की तो यह जब्त भी कर ली जाएंगी। इन गाड़ियों को अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार या अन्य जगह इधर उधर घुमाता है तो उस गाड़ी को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।